रिलायंस के फ्री जियो फोन के लॉन्च होने के बाद एक बार फिर से टेलीकॉम कंपनियों के बीच खलबली मच गई है। इंडस्ट्री के जानकारों की माने तो रिलायंस के इस मुफ्त जियो फोन से सबसे ज्यादा नुकसान फोन निर्माता कंपनी जैसे इंटेक्स, लावा, कार्बन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी कंपनियों को हुआ है। अंबानी के ऑफर को टक्कर देने के लिए दूसरी बड़ी कंपनियां भी अब आने वाले दिनों में ऐसे ऑफर दे सकती हैं। माना जा रहा है कि अधिकतर मोबाइल निर्माता कंपनियों ने सस्ते 4G मोबाइल बनाने भी शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेसिक फोन में भी फीचर बढ़ाने शुरू किए हैं। अब ये कंपनियां टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से हाथ मिलाकर जियो को टक्कर देने की योजना बना रही हैं। इस तरह से आने वाले समय में आपको ये फोन पहले के मुकाबले काफी सस्ते या फिर मुफ्त में भी मिल सकते हैं। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 40 साल पूरे होने पर कंपनी की तरफ से AGM में जियो फोन लॉन्च किया गया है। यह फोन सभी रिलायंस जियो यूजर्स को मुफ्त में दिए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि इसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 1500 रूपए जमा कराने होंगे। ये पैसे आपको 3 साल बाद फोन वापस करने पर वापस मिल जाएंगे। इस तरह से आपको यह फोन मुफ्त में मिल जाएगा।